न पंख न आकाश चाहिए, उड़ने के लिए न पंख न आकाश चाहिए, बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मेरी भारत भूमि जैसी कोई भूमि नहीं जग में, मेरी भारत भूमि जैसी कोई भूमि नहीं जग में, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद मगर भाईचारा सब में, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद मगर भाईचारा सब में, है सरहद पार से आते हैं दुश्मन भी दफन होने, उन्हें ये बात मालूम है स्वर्ग बसता है भारत में, उन्हें ये बात मालूम है स्वर्ग बसता है भारत में। और अगली ये पंक्तियाँ मेरे उन सिपाही भाइयों के लिए जो हमेशा सीमा पर रहते हैं, है सरहद जिनके हाथों में वो भारत माँ के हैं बेटे, गौर फरमाइएगा, है सरहद जिनके हाथों में वो भारत माँ के हैं बेटे, हमारी नींद के खातिर वो एक पल भी नहीं सोते, हमारी नींद के खातिर वो एक पल भी नहीं सोते, पड़े रहते बर्फ में भी क्या ऐसी खासियत उनमें, पड़े रहते बर्फ में भी क्या ऐसी खासियत उनमें, यहाँ माँ शेर जन्मे है नहीं गीदड़ कोई जन्मे, यहाँ माँ शेर जन्मे है नहीं गीदड़ कोई जन्मे। मेरे कॉलोनी जो मैं सारंगपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहाँ पर मेरे परिवार में 3 सिपाही हैं जो इंडियन आर्मी में हैं। तो मेरा एक भाई छुट्टी आया हुआ था, आंटी ने बड़े अच्छे से बिस्तर सजाया, पंखा लगाया कि बेटा आया हुआ, और बेटा चटाई लेकर छत पर सोने चला गया। तो सुबह जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तो उसने सिर्फ इतना कहा था कि बस ऐसे ही। तो उस पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, तुम ही सो लो हम अखमल पर, हमारा बिस्तर है अंबर, तुम ही सो लो हम अखमल पर, हमारी चादर है अंबर, तुम ही सो लो हाँ गद्दों पर, बर्फ के पर्वत हैं बिस्तर, तुम्ही सो लो हाँ गद्दों पर, बर्फ के पर्वत हैं बिस्तर, मैं आया हूँ तुम्हें मिलने, हाँ कर उस भारत माँ से वादा, नहीं वो आदत डालूंगा जो खतरे में आए सरहद, नहीं वो आदत डालूंगा जो खतरे में आए। अब मेरी ये जो कविता, 4 तिरंगे लेकर छुट्टी से वापस अचानक चला गया सिपाही, तो दोस्तों ने पूछा कि ये 4 तिरंगे क्यों लेके आया है, यहाँ पूरा सरोवर है तिरंगों से हमारा। तो उसने लिखा था कि बोला था कि सुबह बेटे को जाना है, रात भर माँ नहीं सोई, सुबह बेटे को जाना है, रात भर माँ नहीं सोई, कहीं भावुक न हो जाऊं थी मुझसे छिप छिप कर रोई, कहीं भावुक न हो जाऊं थी मुझसे छिप छिप कर रोई, हरख जज्बात काबू में दिया मुझको धवज माने, हरख जज्बात काबू में दिया मुझको धवज माने, और क्या कहा, अगर जीता तो फहराना या इसको ओढ़ कर आना, अगर जीता तो फहराना या इसको ओढ़ कर आना। और जो दूसरा तिरंगा उसके पिताजी ने उसे दिया था, उसके बारे में लिखता हूं कि दे रहा था मूछो पर, बीच आंगन में था लेटा, दे रहा था मूछो पर, बीच आंगन में था लेटा, बताया गर्व से सबको के जंग पर जा रहा बेटा, बताया गर्व से सबको के जंग पर जा रहा बेटा, लगा जब बढ़ा जब पाँव छूने को, लगा मुझको गले बोला, बढ़ा जब पाँव छूने को, लगा मुझको गले बोला, खेत की रखवाली खातिर तू दुश्मन का सर ले आना, खेत की रखवाली खातिर तू दुश्मन का सर ले आना। तीसरा तिरंगा जो उसकी बीवी ने उसे दिया है, उसके लिए लिखता हूँ, रोक कर आंखों में आंसू लिपट कर मुझसे वो बोली, रोक कर आंखों में आंसू लिपट कर मुझसे वो बोली,
आए कितनी भी हिस्से में तू खाना सीने पर गोली, आए कितनी भी हिस्से में तू खाना सीने पर गोली, अगर तुम हार कर आए तो पाओगे मरा मुझको, अगर तुम हार कर आए तो पाओगे मरा मुझको, उसी से अच्छा जीवन है शहीद की विधवा कहलाना, अगर जीते तो फहराना या इसको ओढ़ कर आना। और अंतिम तिरंगा जो उसके बेटे ने उसे दिया था उसके लिए लिखा है, कर लिए सबसे हैं वादे एक वादा मेरा पापा, कर लिए सबसे हैं वादे एक वादा मेरा पापा, सुनाऊं मैं भी यारों को कि दुश्मन थर थर था कांपा, सुनाऊं मैं भी यारों को कि दुश्मन थर थर था कांपा, न दुश्मन एक भी बच पाए भले कुर्बान हो जाना। और अंतिम लाइन अगर आप तक पहुंचे तो सूचित करना, अगर न दुश्मन एक भी बच पाए भले कुर्बान हो जाना, मगर बंदूक को अपनी मेरे कांधे पर रख जाना, अगर जीते तो लहराना या इसको ओढ़ कर आना। जय हिंद, जय भारत।